लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 8 जून को दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की इस बैठक में लोकसभा में पार्टी के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 52 सीटें जीती थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ये खबर सामने आई है कि नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले राजनीतिक उठापटक के बीच 5 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसे लेकर खड़गे ने कहा था कि देश का ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के एक दिन बाद दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा, शिवसेना UBT के नेता संजय राउत समेत कई नेता शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आज की बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा की गई और बहुत से सुझाव आए। उन्होंने कहा कि लोगों के जनादेश ने BJP और उनकी नफरत, भ्रष्टाचार और वंचित रखने की राजनीति को करारा जवाब दिया है। वहीं बैठक से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि अभी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रपति महोदया क्या निर्णय लेती है और आमंत्रित होता है और क्या अंतिम फैसला होता है, ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन परिणामों का संदेश क्या था। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी 303 सांसद लेकर चुनाव में गई और दावा ये किया गया था सदन के पटन पर कि 370 सीट हम जीतेंगे और गठबंधन 400 सीट लेकर आएगा। जब परसों के दिन मतगणना पूरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के 60-70 सांसद कम आए और 200 कुछ पे आके गठबंधन का आंकड़ा अटक गया। जो जनादेश है वो गठबंधन और भाजपा के खिलाफ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति और जो शासन जनता को दिया और जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए उसको लोगों ने सिरे से खारिज किया, उनके सारे दावे धराशायी हो गए और आज किसी भी पार्टी को जनता ने सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। जो भी सरकार निर्मित होगी वो मिलीजुली और गठबंधन की सरकार होगी। तो चुनाव का मैंडेट, लोगों का मत, लोगों ने जो दिशा निर्देश पॉलिटिकल दिया है वो NDA और भाजपा के खिलाफ दिया है। संख्या बल, आंकड़े, मिलीजुली सरकार, गठबंधन वो अलग विषय है, लेकिन चुनावों में इंडिया अलायंस को और कांग्रेस पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला। जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े थे, कानून बनाना MSP के ऊपर, अग्निवीर को समाप्त करने का, किसान का, नौजवान का, बेरोजगारी का और महंगाई पर, इन पर हमने अपना पूरा चुनाव फोकस किया। भाजपा का जो प्रचार हुआ वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, इन बातों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और केंद्र की सरकार ने जो रवैया अपनाया खासकर विपक्ष के प्रति, उनको दरकरार करना, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करना, ED का, CBI का, पुलिस का, कांग्रेस पार्टी के चलते चुनाव में बैंक खाते सीज कर देना, इन सब बातों को जनता ने अस्वीकार किया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया के साथ UP और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।